अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन स्टडी कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो हमें पता है कि थर्मल एक्सपेंशन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या होता था, इजाफा होता था। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में इजाफा होगा। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी कब, जब हम उसके टेम्परेचर में चेंजिंग लेके आएंगे। एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का जो दूसरा नाम है वो है क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। कि किसी एक सॉलिड के वॉल्यूम में चेंजिंग कब आएगी, जब उसके वॉल्यूम में चेंजिंग उस वक्त आएगी जब हम उस बॉडी के टेम्परेचर में चेंजिंग लेके आएंगे। मीन वो ऑब्जेक्ट, वो सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम चेंज होगा ये इतना स्मॉल होगा कि हम उसको नोटिस नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते कि एक ऑब्जेक्ट का पहले वॉल्यूम इतना था अब इतना हो गया है। वेरी स्मॉल चेंजिंग होती है विच आर नॉट नोटिसेबल। ये सबसे पहले हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन की है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। एक हमारे पास सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या हमारे पास, वी नॉट, ओरिजिनल वॉल्यूम जिसको हम कह सकते हैं, एट सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो टी नॉट होगा हमारे पास। मतलब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम वी नॉट है, और उसका ओरिजिनल टेम्परेचर जो है, अभी हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया, टी नॉट टेम्परेचर है। ऑन हीटिंग द सॉलिड, सॉलिड को जैसे हम हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर टी, मतलब टेम्परेचर टी नॉट से टी टेम्परेचर हो गया। अब उसका जनरल बात ऐसे की जाती है, ओरिजिनल टेम्परेचर से टेम्परेचर टी हो गया, अब वो जितना भी टेम्परेचर है हमें उससे फर्ज नहीं है, बस हमने ये देखना है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। लेट इट्स वॉल्यूम बिकम वी, अब वी नॉट वॉल्यूम से वो वी में चेंज हो गया। इसका मतलब है जैसे ही टेम्परेचर में चेंजिंग आई है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में भी वैसे ही चेंजिंग आई है। तो इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा हम कैसे निकालेंगे, जो टेम्परेचर हमने दिया उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में जो इजाफा हुआ है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये चेंज इन वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी। डेल हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, चेंज को, और वी हमारे पास होगा वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमारे पास है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर, एंड वी नॉट टेम्परेचर होगा हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस। चेंज इन टेम्परेचर भी सिमिलर इसी तरह से निकालेंगे, डेल रिप्रेजेंट करेगा चेंज को और टी टेम्परेचर को, तो फाइनल टेम्परेचर जो है उसका, उसमें से इनिशियल टेम्परेचर जो ओरिजिनल था उसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम डेल वी इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट। अब वो कहता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है ये फाउंड किया हमने कि ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम में जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा उतना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम आएगा। ये बात अपने ध्यान में रखेंगे, अगेन मैं इसको रिपीट करने लगा हूं, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी, ये डेल वी इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। दस इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल वी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल वॉल्यूम में जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर लेके आएंगे उतना ज्यादा चेंज इन
वॉल्यूम आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हम खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज बीटा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था अल्फा, इसमें क्या होगा हमारे पास बीटा। तो डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी, ये हमारे पास इक्वेशन वन। अब डेल वी हमें पता है किसके इक्वल है, वी माइनस वी नॉट। तो डेल वी की जगह पे हम पुट करेंगे वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है, ये हमने इक्वेशन यहां से ली है, डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल वी वी नॉट डेल टी। वी नॉट को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाता हूं, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस हो गया हमारे पास ये। अब इनमें से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है, वी नॉट। वी नॉट दोनों में कॉमन है, यहां से भी वी नॉट कॉमन ले ले, यहां से भी कॉमन ले ले, वी नॉट कॉमन ले लिया। बीटा डेल टी प्लस ये तो बाहर चला गया, यहां पर आ गया हमारे पास वन। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू, यहां पर वी रह गया था वी नॉट। अब एडिशन में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बीटा डेल टी प्लस वन हो या वन प्लस बीटा डेल टी हो, बात एक ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, हमारे पास ये बन गई वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट, इसको आप इक्वेशन टू कह सकते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन वन कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है कॉन्स्टेंट जो है हमारे पास बीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो v नॉट डेल टी इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट बीटा इज इक्वल टू डेल v ओवर v नॉट डेल टी, डेल v ओवर v नॉट डेल टी। तो वॉल्यूम जो होता है ये भी हमारे पास मीटर क्यूब में होगा, ये भी हमारे पास मीटर क्यूब में होगा, डेल टी केल्विन। इसका मतलब है अगर इसका यूनिट देखें तो वो ये आएगा पर केल्विन, जो कि अल्फा का था हमारे पास। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो अल्फा कांस्टेंट है उसका यूनिट भी पर केल्विन था, बीटा में भी पर केल्विन है। अब ये बात आपने ध्यान में रखेंगे कि जो बीटा की वैल्यू होती है वो अल्फा की वैल्यू से 3 times ग्रेटर होती है, मतलब अगर यहां पर 3 ना हो तो बीटा अल्फा के बराबर होगा। अब 3 अल्फा का मतलब है कि जो बीटा की वैल्यू होगी वो अल्फा से 3 times ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें बीटा ओवर 3 इज इक्वल टू अल्फा, यू भी कह सकते हैं आप, वो एमसीक्यूज बन सकता है रीअरेंज करके। तो ये अपने ध्यान में रखेंगे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, मतलब अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता है जो कि कांस्टेंट है तो आप बीटा की कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो टेबल्स हैं अल्फा और बीटा जो है इनकी, ये आप लोग याद रखेंगे साइड बॉक्सेस में से है। एग्जाम्पल है हमारे पास 8.7 जिसमें वो कहता है कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हूज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया, 10 सेंटी को 100 पे डिवाइड करें तो 0.1 मीटर, ओरिजिनल टेम्परेचर उसका 0 degree सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, 273 ऐड कर दें सेंटीग्रेड में, सी प्लस 273 वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 273, फिर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चेंज होता है उसका, टी नॉट है ये टी है 100, तो इसको वो केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373 आएगा। चेंज इन टेम्परेचर कैसे आता है, अभी हमने पढ़ा टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, तो ये हमारे पास 100 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर होगा। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, यहां पर अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो बीटा की हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, बीटा इसको 3 अल्फा वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल जो लेंथ है उसका क्यूब ले ले, हमारे पास आ जाएगी 10^-3 मीटर क्यूब। अब वही ये फार्मूला अडॉप्ट करें जो अभी हमने मॉडिफाई किया, वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 बीटा डेल टी, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, हमने लगा लिया, इसमें वैल्यूज पुट करें। वी नॉट की वैल्यू क्या हमारे पास 10^-3, 1 बीटा अभी कैलकुलेट की है 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10^-5, ये वैल्यू आ गई, और डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर 100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.0057 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 मीटर क्यूब, ये इसका होगा हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम।
तो ये एग्जांपल रिलेट कर रही है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।